तो यहाँ पर देखिए, हम जो प्लान यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी, तो यहाँ पर 400 स्क्वायर फीट के अंदर इस प्लान को हमने यहाँ पर बनाया है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बात, स्टेयर जो है यहाँ पर हमने नहीं दिखाया, तो इसका भी रीज़न हम दिखाएंगे। बाहर में हम स्टेयर का पोजीशन यहाँ पर दिखाया था, इसलिए हमने नहीं दिखाया। तो यहाँ पर 7 फीट बाई 4 फीट का एक डोर यहाँ पर हमने फ्रंट साइड में ऐड कर दिया था, ठीक है ऐसे। उसके बाद हम क्या किया, इसमें अंदर यहाँ पर एक डोर ऐड करेंगे जो है 7 फीट बाई 3 फीट, ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक डोर हम क्रिएट करेंगे जो है 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच। उसके बाद यहाँ पर देखिए डोर 7 फीट बाई 3 फीट, ओके। इस डोर को हम ऐसे इधर देखिए, जो डोर है इसको हम ऐसे दिखाएंगे इधर, ठीक है। इससे दिखाने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसका जो प्लानिंग हमने इसका देखिए विंडो का पार्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है ऐसे 4 फीट 6 इंच डाउन में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम विंडो का पोजीशन रख सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ऐसे हमने किया है ऐसे। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस साइड में भी हम विंडो का पोजीशन रखेंगे और हम इस साइड, ठीक। तो पीछे के साइड में हम रखेंगे, आपका अगर पोजीशन मिला तो आप यहाँ पर विंडो का पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मिला तो आपको विंडो का पोजीशन बंद करना पड़ेगा, ठीक है ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने विंडो रखा है और यहाँ पर हमने विंडो रखा है, ठीक है ऐसे ऐसे, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर जो वेंटिलेटर का पार्ट है यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, ओके ऐसे ऐसे, ओके ऐसे। इधर हमने ऐसे रखा है, इधर ऐसे और इधर भी ऐसे। देखिए जो विंडो है बाहर की तरफ हम ऐसे रखेंगे, तो एक जस्ट ऑप्शनल विंडो का पोजीशन है, आपको इसमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लान के अंदर कुछ कलर ऐड करेंगे, ठीक। देखिए इसके अंदर हमने ऐसे कलर कर दिया है, ठीक है ऐसे कलर। तो उसके बाद इस कलर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ अंदर डोर विंडो ऐड करेंगे, ठीक है, और कुछ फर्नीचर ऐड करेंगे। देखिए इसके अंदर हमने कुछ फर्नीचर ऐड किया है इधर, देखिए ऐसे घर के अंदर जाने के पहले। तो हमने एक्सटर्नल बाहर से कुछ देखिए ऐसे स्टेयर का पोजीशन है दिखाया है, तो अंदर में नहीं दिखाया। आपको लगता है अंदर में चाहिए तो आप यहाँ पर जो पोजीशन है आप कर सकते हैं, लेकिन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए घर के अंदर आने के बाद दो सोफा सेट, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक किचन सेट, ओके, यहाँ पर एक टॉयलेट एंड बाथ, और यहाँ पर बेडरूम। बेडरूम के अंदर देखिए टीवी सेट, अलमीरा, यहाँ पर एक सोफा सेट, यहाँ पर एक बेड। तो हाँ, इसका मेजरमेंट क्या है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसका मेजरमेंट अगर बिल्डिंग के बात करें तो बिल्डिंग का जो मेजरमेंट है देखिए 15 फीट, ओके। तो एक एक साइड में हम आपके साथ शेयर करते हैं 15 फीट बाई 26 फीट। 15 फीट बाई 26 फीट का जो बिल्डिंग पे है, इस बिल्डिंग प्लान के अंदर हम जो पार्ट यहाँ पर दिखाया है इसका जो मेजरमेंट है हम कहाँ पर दिखाएंगे, तो हमको हम आपको साइड में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए साइड में हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर प्लान हमने ऐसे रखा है, यहाँ पर 15 फीट बाई, यहाँ पर देखिए बेडरूम जो है काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का है, 10 फीट बाई 14 फीट 2 इंच का बेडरूम। यहाँ पर जो टॉयलेट एंड बाथ यहाँ पर 4 फीट बाई 8 फीट, और यहाँ पर जो किचन काम आपका जो डाइनिंग रूम 8 फीट बाई 10 फीट 4 इंच, यहाँ पर 5 फीट 9 इंच, यहाँ पर 14 फीट 9 इंच, ओके। तो इसके अंदर हम क्या रखा है, तो चलिए इसको हम लिख के देंगे बेडरूम, यहाँ पर आएगा बेडरूम, ओके। उसके बाद किचन और डाइनिंग एक साथ, तो यहाँ पर आप देखिए किस कैसे आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टॉयलेट, ओके, और यहाँ पर ओपन स्पेस, यहाँ पर ओपन स्पेस। तो ओपन स्पेस हम ऐसे रखेंगे, ओके, यहाँ पर ओपन स्पेस। तो इसका टोटल कितना स्क्वायर फीट है, तो देखिए इसका टोटल स्क्वायर फीट है 15 × 26, 390 स्क्वायर फीट, ओके 390 स्क्वायर फीट, 390 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर भी हम प्लेस में लिखेंगे, ठीक है 390 स्क्वायर।
और इसका जो टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आएगा तो आपको मिलेगा इसके साथ आप 15W इंटू कर दीजिए तो आपको 5.8 लाख रुपीज़ आपका खर्च आ जाएगा। ओके यहाँ पर तो यही था बिल्डिंग प्लान और डिज़ाइन। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और प्रॉब्लम हो तो आप इसको चेंज करके नया डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।